हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। दोस्तों, यहां पे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने रिटर्न के मामले में तो एक तरह से अगर हम कहें कि सभी शेयरों का बाप निकला है, क्योंकि यहाँ पे यह स्टॉक ने एक साल के अंदर 909% का रिटर्न और 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 49,722% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, यानी अपने शेयर होल्डर को करोड़पति बनाने में सबसे पहला नाम अगर हम देखें तो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आता है। यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट भी की, उसके बाद भी स्टॉक प्राइस अगर आप देखें तो 5 डेज के अंदर 22% का रिटर्न देता हुआ नजर आया और 1 मंथ के अंदर 20% की यहाँ पे तेजी देखने को मिला है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अंदर कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे शानदार रैली देखने को मिल रहा है। अभी भी यहाँ पे कंपनी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बेसिकली काम करती है और यहाँ पे इसकी वजह से इस स्टॉक को एक तरह से बहुत ज़्यादा बूम मिलता है और यहाँ पे इनकी जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कम क्वांटिटी में था, लेकिन यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट होने के बाद क्वांटिटी बढ़ा, फिर भी स्टॉक प्राइस अभी भी अपर सर्किट ही लग रहा है। यहाँ पे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की अगर बात करें तो यहाँ पे एक शेयर के 5 टुकड़े कंपनी ने करती हुई नजर आई थी, जो आपने देखा होगा और मैंने पहले भी बताया था, जो 15 मार्च का एक्स डेट था 2024 में, और एक शेयर के 5 टुकड़े की थी। फेस वैल्यू 10 से 2 रुपया पे आ गया था, तो यहाँ पे फेस वैल्यू भी आपको देखने को जो मिलेगा कि जो कंपनी का फेस वैल्यू है 2 रुपया का है, जो पहले 10 रुपया का हुआ करता था। कंपनी यहाँ पे लगता है कि इसका स्टॉक का पी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे अभी के टाइम पे जो अपने लो, इसका हर एक बार एक नया हाई बना टच करता हुआ नजर आता है। अभी के टाइम पे 1794 रुपये इसका प्राइस है और इसी प्राइस ये ऑल टाइम हाई पे पहुँचा हुआ है। एक तरह से देखो यहाँ पे ये स्टॉक मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 63,502% का रिटर्न दिया है ये स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर को। और दोस्तों, अगर आप बात करो इस कंपनी की तो यहाँ पे कंपनी की जो ROE ये सारी चीज़ें कंपनी का बहुत ज़्यादा शानदार नज़र आता है। ये दोनों चीज़ें हैं जो कंपनी का टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहा है हमेशा, और कंपनी का EPS अभी मात्र 10 रुपया 20 पैसा का है, फिर भी इसका शेयर प्राइस है जो बहुत तेजी से अपसाइड दिखा रहा है। दोस्तों, कंपनी के ऊपर कर्ज ना के बराबर अगर आप कहें तो यहाँ पे 38 करोड़ का मात्र कर्ज है और डेब्ट टू इक्विटी देखोगे तो मात्र यहाँ पे 0.34 का देखने को मिलता है। कंपनी का मार्केट कैप 18,000 करोड़ का हो चुका है, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे मिड कैप की कंपनी बन चुकी है ऑलरेडी, और यहाँ पे रिजर्व्स कंपनी के पास 92 करोड़ का है। दोस्तों, इस कंपनी के अगर अभी के टाइम पे अगर पिटोस के स्कोर देखें तो 8 दिया गया है, जो एक बहुत अच्छी रेटिंग होती है, और इस कंपनी की कोई भी प्लेजिंग परसेंटेज भी नहीं देखने को मिलता है। इंडिया लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर देखें तो यहाँ पे इसी कंपनी का नाम आता है, तो सोलर पैनल होता है उसको एक तरह से मैन्युफैक्चर करने का भी काम करती है। यहाँ पे 1 गीगावाट प्लस EPC प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, बेस्ट ब्रांड ऑफ द ईयर 2022 से 2023 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इंडिया लार्जेस्ट 12 गीगावाट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर अगर हम कहें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ELMM की अगर हम बात करें तो उससे रिलेटेड तो कंपनी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काफ़ी अच्छा काम करती है और 33 ईयर से कंपनी काम करती हुई आ रही है अब तक। यहाँ पे इनके प्रोडक्ट एंड सर्विस औसम नज़र आते हैं दोस्तों, और आने वाले समय में अभी भी ये स्टॉक और बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। इनके प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा, इनकी एप्लीकेशन के PV मॉड्यूल से की, इन्वर्टर की, सोलर प्रोडक्ट्स की, ये सब सारे प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के। यहाँ पे ये 3 प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, PV मॉड्यूल्स, इन्वर्टर्स एंड सोलर प्रोडक्ट। सर्विसेज में देती हैं EPC ग्राउंड माउंट, EPC फ्लोटिंग सोलर, OPS मेंटेनेंस, EPC रूफटॉप, वारी एक्सपर्ट्स, वारी प्राइम, ये सब सबके इनके एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो स्टॉक का जो एक तरह से ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी तेज़ी से हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी है ज़्यादा, क्योंकि अगर ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जो एक तरह से मार्केट
उसको बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन दे रखी है ऑलरेडी, और फिर भी उस स्टॉक में अभी भी तेजी है, और कंपनी एक तरह से जितनी तेजी से स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है उतनी तेजी से कंपनी का प्रॉफिट तो नहीं बढ़ा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी इंडिया के नाम यहाँ पे आपको बहुत चीज़ देखने को मिलेगा। इंडिया लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 12 GW का देखने को मिलता है, जो सूरत के अंदर आपको देखने को मिल रहा है खास करके। तो सूरत के अंदर, गुजरात के अंदर, मतलब कह सकते हैं गुजरात के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे सोलर पंप्स की बात कर लें, सोलर पार्क की बात करें, कैप्टिव कंजम्पशन की बात करें, फ्लोटिंग सोलर की बात करें, ये सब सारी चीज़ों से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती हुई नजर आती है कंपनी। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे तो ये कंपनी का Q3 क्वार्टर का रिजल्ट्स बहुत ही शानदार आया है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो कंपनी 74 करोड़ का सेल्स करती थी पिछले साल, यहाँ पे जो इस बार दिसंबर 2023 में 324 करोड़ का सेल्स करती हुई नजर आई। कंपनी का आप देखिए सेल्स में कितना ग्रोथ है, मल्टी फोर्स आपको जंप देखने को मिल रहा है सेल्स में। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 48% से यहाँ पे घट के 27% रह गया। कंपनी का प्रॉफिट 25 करोड़ से बढ़ के 64 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट में भी एक तरह से मल्टीपल डबल से भी ज़्यादा, 2.5 गुना एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट जंप किया है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जंप किया, और इंटरेस्ट कंपनी क्या पे कर रही है, जीरो इंटरेस्ट कंपनी के पास यहाँ पे जीरो गया है इस बार। तो एक तरह से कंपनी का जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ देखोगे तो 2018 तक कंपनी का कुछ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे मात्र 2 करोड़ का सेल्स करती थी, जो आज के में 665 करोड़ का सेल्स कर रही है FY24 के अंदर दोस्तों, और 106 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट करती हुई नजर आ रही है। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो कंपनी एकदम माइक्रो स्मॉल माइक्रो कैप की कंपनी थी, अगर हम करें माइक्रो स्मॉल कैप की कंपनी, तो यहाँ पे इस टाइम पे मिड कैप की कंपनी बन गई, क्योंकि शेयर प्राइस में इतना ग्रोथ दिखा। तो फ्यूचर को देखकर यहाँ पे इन्वेस्टर हैं जो पैसे लगाते हैं किसी भी कंपनी के ऊपर। यहाँ पे बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट भी कंपनी यहाँ पे मजबूत करती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पे इन्वेस्टर के रूप में जो FIS DIS यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन दिसंबर में यहाँ पे DIS 0.09% की बाइंग करते हुए नजर आए हैं, और बाकी के ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक तरह से देखें प्रमोटर है या पब्लिक शेयर होल्डर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये दो लोग मेन होल्डिंग किए हुए हैं इस कंपनी के अंदर अभी तक। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, और जिनसे कि ये स्टॉक के बारे में, किसी भी स्टॉक के बारे में सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। दोस्तों यहाँ पे आप इमीडिएट अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि तुरंत आपको अपडेट मिल जाएगा। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।